हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि यार सीओडी के कस्टम रूम में हम गन कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो इस वीडियो में जो है आपको जवाब मिल जाएगा। तो चलो इस वीडियो को देखते हैं मेरे साथ एंड तक और समझते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो अगर आपको यही नहीं पता है कि सीओडी में कस्टम रूम कैसे बनाते हैं तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो जो है बना के रखा हुआ है, उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो देखो अभी मैं जो है कस्टम रूम पे आ चुका हूँ और यहाँ पे अगर आपको कोई भी गन सेट करना है तो सिंपली से लोड आउट के अंदर आ जाओ एंड यहाँ पे देखो एक नंबर से लेकर 10 नंबर तक आपको अलग अलग स्लॉट दिख रहा है। आप जो भी गन चाहो यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है, चाहे वो प्राइमरी वेपन हो चाहे वो सेकेंडरी वेपन हो। अब देखो चाहे वो AR हो, SMG हो, स्नाइपर हो, जो भी आपका मन हो वो आप यहाँ पे लगा लो, ठीक है। ये सब तो आपको पता ही होगा। अब हम देखते हैं कि गेम के अंदर जाएंगे तो हम वहाँ पे कैसे गन को चेंज करेंगे। तो देखो जब आपका गेम स्टार्ट हो रहा होगा उस वक्त जो है आपको एक ऑप्शन मिलेगा गन को चेंज करने का और यहाँ पे कुछ ही सेकंड का जो है टाइम मिलता है। इसके अंदर जो है आपको एक गन को चूज करना होता है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कौन से स्लॉट के अंदर आपने कौन सा गन वहाँ पे लोड आउट में सेट किया था, उसके बाद आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपने एक बार चेंज कर लिया या फिर नहीं कर पाए, डजंट मैटर, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते अब, ठीक है। अब अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे दो तरीका है चेंज करने का। इसके लिए आपको जो है मरना पड़ेगा। जब आपको एनिमी मारेगा उसके बाद जो है आपको गन चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो देखो यहाँ पे मैं जो है मर चुका हूँ और यहाँ पे जो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है सिंपली से यहाँ पे टच करो एंड जो है सेम वही ऑप्शन आपको मिल जाएगा गन को चेंज करने का। और यहाँ पे भी आपको जो है एक लिमिटेड टाइम होता है जिसके अंदर आपको एक गन को चूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो मैंने गन चूज किया और मेरा गन जो है चेंज हो गया। अब जो यहाँ पे दूसरा जो तरीका है वो क्या करना है, सिंपली से आपको सेटिंग के अंदर आना है एंड यहाँ पे देखो एक लोड आउट का ऑप्शन है, इसके अंदर आओगे तो सेम वही जो है पैनल यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ भी चाहो तो जो भी गन आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि जब आप यहाँ पे कोई भी गन को चेंज करोगे तो वो जो है क्विकली चेंज नहीं होगा। तो ये चेंज कब होगा, जब आप रिस्पॉन होगे, यानी कि जब मरोगे वापस से जब जिंदा होगे तब जाके आपका ये गन चेंज होगा। देखो मैंने अभी यहाँ पे स्नाइपर सेट किया है और अभी भी मेरा हाथ में जो है स्नाइपर नहीं आया है और देखो अभी मैं जैसे ही मरा और मेरे हाथ में जो है स्नाइपर आ गया, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको कि वहां जब सेटिंग के थ्रू जब आप चेंज करोगे तो क्विकली नहीं होता है, जब रिस्पॉन होने के बाद जो है ये अप्लाई होता है। तो बस यहाँ पे जो भी तरीका होता है गन को चेंज करने का गेम के अंदर वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे जो है आप अपने गेम के अंदर अपने गन को चेंज कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन है या फिर कोई सवाल है नीचे कमेंट कर देना, 100% ट्राई करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का और हो सके तो आपके ऊपर जो है डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना भूलना मत। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको दो वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जो भी आपको पसंद है उस पर क्लिक करो एंड एंजॉय करो।